सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास एट का एन सी ई आर टी मैथ्स उसका चैप्टर नंबर है थ्री और एक्सरसाइज है थ्री पॉइंट टू आई होप आप सभी ने थ्री पॉइंट वन एक्सरसाइज देखी होगी अगर नहीं देखी तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रही हूँ आप वहाँ से जाके ज़रूर उसको देखिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करो सो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो सम होता है ना सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल का सम कोई भी पॉलीगन हो बराबर होता है 360 डिग्री के बस इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है अब यहाँ पे एक ही चीज़ मैंने लिखी है वही जो बताई सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री सो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमें 125 दिया है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैंने आपको बताया 360 के बराबर होता है तो जस्ट लिखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वन डिग्री प्लस वन डिग्री इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 360 डिग्री के अब इन दोनों को प्लस करोगे तो x प्लस टू डिग्री बराबर होगा 360 डिग्री के x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 सिक्सटी डिग्री माइनस टू राइट ये इधर आ जाएगा फिर एक्स की वैल्यू सप्रैक्ट करने के बाद आपको वन मिल जाएगी दैट्स इट इसी तरीके से सेकेंड भी करेंगे हम देखो सेकेंड वाले में क्या है यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल पता है देखो यहाँ पे सिक्सटी है यहाँ पे ये नाइन्टी डिग्री का साइन है तो ये नाइन्टी डिग्री है सेवेंटी है ये एक्स हमें नहीं पता ये फाइंड आउट करना और यहाँ पे अपने आप में है ये जो राइट एंगल है तो इधर वाला भी नाइन्टी ही होगा लिखो यहाँ पे एक्स प्लस नाइन्टी प्लस सिक्सटी प्लस नाइन्टी प्लस सेवेंटी इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी डिग्री की अब मैं वापस से दिखा दूं मैंने क्या क्या लिखा है देखो यहां पे ये तो हमने आ, एक्स लिखा ये नाइन्टी लिखा क्योंकि ये नाइनटी है तो ये भी नाइन्टी होगा लीनियर जो लाइन होता है ना जो सीधी लाइन होती है उसकी वैल्यू वन एटी डिग्री होती है अब जब ये नाइनटी है तो ये भी 90 ही होगा इसलिए मैंने इसका 90 लिख दिया फिर 60 लिख दिया फिर यहाँ पे भी राइट एंगल है तो ये 90 है ये सेवेंटी इन सबको प्लस करके बराबर कर दिया 360 सिक्सटी की जब आप इन सबको प्लस करोगे देखो नाइन नाइन वन हो गया 90 90 और ये कितने हो गए 60 और 70 130 हो गया इनको प्लस करोगे तो x प्लस थ्री हंड्रेड आ जाएगा जो कि बराबर होगा थ्री डिग्री के तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री डिग्री माइनस थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी फिफ्टी डिग्री क्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है फाइंड द मेजर ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलिगन ऑफ अगर नाइन साइड है एंड फिफ्टीन साइड है सो so वही बात है नाइन साइड है तो उसका हर एक का एंगल कितना होगा एक्सटीरियर एंगल पूछा है एंड फिफ्टीन साइड है तो क्या हमें तो ये पता ही है कि एक्सटीरियर एंगल का सम थ्री सिक्सटी के बराबर होता है सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नाइन साइड राइट right? जितना बता रही हूँ बस उसको लिखते जाओ यहां पे नाइन साइड्स हमें फर्स्ट क्वेश्चन का बताना है और हमें ये पता है टू तो टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है सो so वही लिखो यहां पे टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360 सिक्सटी डिग्री राइट इतना हमें पता है और पॉलीगन में कितना है यहाँ पे पॉलीगन हैज नाइन साइड्स इतना हमें दिया है ठीक है सो हम मान लेते लेते हैं लेट ईच एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना है एक्स डिग्री हमने सबको मान लिया कि वो एक्सटीरियर एंगल जो है एक्स डिग्री है सो so, क्या हो जाएगा देयर फॉर द नंबर ऑफ साइड्स बराबर होंगी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर लिख दो या फिर एक्सटीरियर एंगल लिख दो ऑल और सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल राइट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में एक्सटीरियर एंगल ये इसका फॉर्मूला है साइड को बताने का अब नंबर ऑफ साइड हमें क्या गिवन है नाइन ऑल का क्या है थ्री सिक्सटी डिग्री और हमने माना क्या है ईच का यहां पे लिख दो ईच ईच एक्सटीरियर एंगल हमने एक्स डिग्री माना है अब एक्स का मल्टीप्लाई नाइन में होगा तो नाइन एक्स इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी डिग्री एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई नाइन नाइन फोर जो क्या होता है थर्टी सिक्स तो फोर्टी डिग्री हो जाएगा हमारे पास एक एंगल की वैल्यू फोर्टी डिग्री हो जाएगी राइट right? इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी हम करते हैं दैट इज फिफ्टीन साइड फिफ्टीन साइड्स सो so, देखो बहुत ही आसान है पहले आपको ये पूरा लिख लेना है टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री पॉलीगन हैज़ 15 साइड यहाँ पे मैं लिख के बताऊंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा आप लिख लेना लेट ईच एक्सटीरियर एंगल इज एक्स डिग्री और ये फॉर्मूला लिख लेना है उसके बाद इक्वल्स टू में आ, क्या करना है आपको फिफ्टीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थ्री सिक्सटी अपॉन में एक्स एक्स का मल्टीप्लाई फिफ्टीन में होगा तो फिफ्टीन एक्स थ्री सिक्सटी डिग्री के बराबर होगा एक्स की वैल्यू थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई फिफ्टी अब डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा 24 फोर डिग्री ठीक है तो इसको डिवाइड करोगे 15 टू जो तो थर्टी यहाँ पे 60 बचेगा है ना तो 15 फोर या सिक्सटी कोई नहीं क्वेश्चन नंबर थ्री है हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 फोर डिग्री सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर टू में हमें साइड्स गिवन थी तो एंगल पूछा था यहाँ पे हमें आ, एंगल दिया है तो साइड पूछा है कुछ भी नहीं करना जो हमने फॉर्मूला भी देखा है ना वही इसमें भी लगाना है राइट ऑन क्वेश्चन नंबर थ्री टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी डिग्री राइट थ्री सिक्सटी डिग्री होता है सो मेजर ऑफ ईच हमें जो गिवन है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज ट्वेंटी फोर डिग्री दे आर फॉर नंबर ऑफ साइड देयर फॉर द नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन मे ईच एक्सटीरियर एंगल तो ये हो जाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर डिग्री सो आंसर हो जाएगा जब डिवाइड करोगे तो फिफ्टीन साइड आएगा सो so हम लिख सकते हैं हिंस द पॉलीगन हैज उ मेनी साइड फिफ्टीन साइड इज द आंसर नाउ क्वेश्चन फोर करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या किया है इन्होंने हाउ मेनी साइड रेगुलर पॉलीगन है एंगल अगर गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल हमें निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है देखो एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल इक्व टू होता है वन एट्टी डिग्री माइनस 165 डिग्री एक्सटीरियर एंगल जो है निकालने के लिए 180 में से आप इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा तो कितना आ गया 15 डिग्री बस अब हमें पता चल जाएगा अगर हमें ये जो एक्सटीरियर एंगल पता चला है तो नंबर ऑफ साइड बताने का क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड इक्व टू होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल एंगल अपॉन में होता है एक्सटीरियर एंगल मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल एक तरीके से एक्सटीरियर एंगल जो कि हमें पता ही है तो यहां पे लिखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है फिफ्टीन है सो अगेन डिवाइड करोगे तो 24 साइड्स आ जाएगा सो दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज एंगल एज ट्वेंटी टू डिग्री देखो हमेशा ध्यान रखो हमें हम वही एक्सटीरियर एंगल रख सकते हैं जो कि डिवाइड करें 360 को क्योंकि हमने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इस 360 डिग्री सो so उसके फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है आपको देखने से ही लग रहा होगा 22 जो है फैक्टर नहीं है किसका 360 डिग्री का सो so हम इसको नहीं बना सकते कि इस मेज़रमेंट का कोई एक्सटीरियर एंगल होगा सो so यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव के ए में सिंपली लिखो एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दैट इज ट्वेंटी टू डिग्री तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड बराबर होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल सो अगर मैं यहाँ पे थ्री सिक्सटी डिग्री लिखती हूँ ट्वेंटी टू से डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास आएगा सिक्सटीन पॉइंट थ्री सिक्स के समथिंग जो कि हम एंगल नहीं बना सकते इससे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो no, एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा होगा हाँ देखो यहाँ पे नो no, वी कांट हैव रेगुलर पॉलीगन पॉलीगन विथ इच एक्सटीरियर एंगल एज ट्वेंटी टू डिग्री एज इट इज नॉट डिविजिबल बाय एट इज इट इज नॉट डिवाइज तो यहां पर लिख दो एज ट्वेंटी एज इट इज नॉट इट इज नॉट डिवाइजर ऑफ थ्री सिक्सटी राइट जो मैंने बोला वो मैंने लिख के दिखा दिया नाउ क्वेश्चन नंबर बी देखो इसमें कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन फाई अब देखो इंटीरियर एंगल अगर आपको गिवन है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर इसमें किया ना एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट किया 180 डिग्री में से तो इसमें भी हम यही करेंगे क्वेश्चन नंबर बी में भी आपको सेम लिखना होगा जब आपको इंटीरियर एंगल पता है इंटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे ट्वेंटी डिग्री राइट एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा किसके वन वन फिफ्टी एट डिग्री आएगा अब नंबर ऑफ साइड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स बराबर होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल दैट इज 360 डिग्री एंड ईच एक्सटीरियर एंगल 158 क्या ये इससे डिवाइड होगा नहीं होगा तो यहां पे जब नहीं होगा तो कुछ भी आंसर है उससे नहीं मतलब डिविजिबल नहीं है ना सो so यही सेम चीज लिख दो नो वी कांट हैव रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज वन एज इट इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ थ्री डिग्री दैट्स इट राइट क्वेश्चन नंबर सिक्स है ए व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई इन्होंने पूछा है कि इंटीरियर एंगल मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल हो सकता है तो देखो इक्विलेट्रिक ट्रायंगल ही एक रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें मिनिमम साइड थ्री होती हैं एंड पॉसिबल मिनिमम इंटीरियर एंगल भी जो होता है वो बहुत ही कम लाइक सिक्सटी डिग्री होता है क्योंकि वन एटी डिग्री सम होता है ट्रायंगल का तो एक जो एंगल है वो सिक्सटी डिग्री का हो जाएगा तो बस जो मैंने बोला है वही चीज़ लिख दूँ क्वेश्चन नंबर बी में व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन अब देखो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल सो एक्सटीरियर एंगल जो होता है अगर हमें निकालना हो तो 180 में से हम सप्ट्रैक्ट करते हैं हमें इंटीरियर एंगल पता चल गया 60 डिग्री तो 180 में से 60 को सप्ट्रैक्ट करेंगे 120 हो जाएगा सो so, हम बोल देंगे कि इक्विलेटेड एंगल इज़ अ रेगुलर पॉलीगन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड हैज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल दैट इज वन एट डिग्री ठीक है देखो मैं आपके लिए लिख भी दे रही हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए यहां पे लिखो इक्वी इक्वीलैटरल ट्रैंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन विथ थ्री साइड्स ठीक है इट हैज सिबल लीस्ट पॉसिबल मिनिमम इंटीरियर एंगल विथ मिनिमम साइड सो यहां पर हो जाएगा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रैंगल इक्व टू वन एटी डिग्री ठीक है सो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा ईच इंटीरियर एंगल इक्व टू वन एटी डिग्री डिवाइड बाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा सिक्सटी डिग्री राइट क्वेश्चन नंबर बी का आंसर लिखो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इक्वस टू वन एटी डिग्री माइनस सिक्सटी दैट इज वन ट्वेंटी डिग्री ठीक है इक्वी लेटर ट्रैंगल इक्वी लेटरल ट्रैंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन विथ द लीस्ट नंबर ऑफ साइड हैज द मैक्सिम एक्सटीरियर एंगल राइट दैट्स इट क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी कर लिया और यहीं पे क्वेश्चन uh, ये एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू एंड होता है आई so, होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी प्लीज जैसा कि मैंने शुरू में बोला कमेंट करना तो प्लीज कमेंट करना अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में